नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने A4 चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गेहूं कटाई के बाद देर से की गई गन्ना बुआई में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है जिससे उनमें टेलरिंग ज़्यादा हो, गन्ने की मोटाई बढ़े व बढ़वार भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। किसान भाइयों, जो गन्ना गेहूँ कटाई के बाद आपने देर से लगाया है उसमें निराई गुड़ाई व उर्वरक देने का समय बहुत ही कम बचता है। इससे उसमें टेलरिंग व बढ़वार की समस्या पैदा हो जाती है। देर से बुआई में जितना समय मिले उसमें फावड़ों की मदद से खुदाई अवश्य करा लेनी चाहिए, साथ ही साथ जुताई भी अवश्य करा लेनी चाहिए। इससे गन्ना पौधों में कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर निकलने में मदद मिलती है। दूसरी ओर हमें गन्ना पौधे में कुछ खास उर्वरकों का भी प्रयोग करना होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने देर से लगाए गए गन्ना पौधे में किसी न किसी कीटनाशक का प्रयोग अवश्य कर लिया होगा। अब बात करते हैं उर्वरक कौन कौन से देने हैं। यहाँ मैं आपको 5 डोज बताने जा रहा हूँ। इनमें पहली डोज है 25 kg नाइट्रोजन, 25 kg पोटास, 50 kg DAP, 3 kg सल्फर, 5 kg धनजाइम, यह धानुका ब्रांड है, 5 kg कैल्शियम। यह डोज आपको 1 एकड़ गन्ना पौधे में डालनी है और पानी लगा देना है। दूसरी डोज है 50 kg NPK 12:32:16, 3 kg सल्फर, 5 kg कैल्शियम, 5 kg धनजाइम जी, 5 kg मैग्नीशियम। इन्हें भी मिलाकर आपको 1 एकड़ में डाल देना है और पानी लगा देना है। तीसरी डोज है 125 kg सिंगल सुपर फास्फेट, 25 kg पोटास, 25 kg नाइट्रोजन, 5 kg धनजाइम जी। इसे भी आपको 1 एकड़ में डाल देना है। किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट में अब सल्फर, बोरोन, कैल्शियम और कुछ अन्य पोषक तत्वों का कोट आने लगा है। इस कारण आपको यदि इस डोज का इस्तेमाल करना है तो सल्फर, बोरोन, कैल्शियम को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आपका गन्ना पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो एक बहुत अच्छी डोज है 5 kg धनजाइम गोल्ड, 20 kg कैडोके, यह कैडिला कंपनी का 20 kg का बैग आता है। इन दोनों को मिलाकर 1 एकड़ में डाल देना है। कैडओके से आपकी फसल को पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, कार्बन, जिंक, आयरन, मैग्नीज और कुछ अन्य पोषक तत्व की मिल जाते हैं। इससे आपकी फसल ज़्यादा हरी व चमकदार बन जाती है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल अच्छी ग्रोथ कर रही है तो 5वीं डोज है उसमें आप 25 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालें और पानी लगा दें। जब पैर चिपकने लगें तब 300 ml RPS छंतर, जो धनवंतरी ब्रांड है, 300 ml का स्प्रे प्रति एकड़ के हिसाब से कर देना चाहिए। RPS छंतर से आपकी गन्ना फसल को फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डियम तत्व मिल जाते हैं। इस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है और यह महंगा भी नहीं है। इसकी कीमत 500 ml लगभग 700 रुपये के आसपास आ जाता है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब आप RPS छंतर का स्प्रे कर रहे हो तो इसके साथ अन्य कोई उर्वरक या कीटनाशक न मिलाएं। किसान भाइयों, इन सभी बताई गई डोज में से यदि आप किसी एक का प्रयोग अपने गन्ना पौधे में करते हो तो आपकी फसल में टेलरिंग, बढ़वार व चमक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी और आपका उत्पादन भी बढ़ सकेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।